हेलो फ्रेंड्स, वी आर स्टडिंग ट्रायंगल। हमने ट्रायंगल में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विथ ए बी पैरेलल टू डी सी। यू नो व्हाट इज अ ट्रेपेजियम? इट्स अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू साइड्स आर पैरेलल, अ पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल एंड वन पेयर इज नॉन पैरेलल। ओके, सो इन ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विथ ए बी पैरेलल टू डी सी। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ओके, शो दैट ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। ओके, सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 5, it clearly says that ABCD is a trapezium, so we will draw a trapezium. This is a trapezium. Okay, now it says in this trapezium AB and DC are parallel, so the parallel sides are AB and DC. So how should I mark it? This is A, B, C and D. This is the diagram, this is the trapezium. Okay, where AB is DC, AB is parallel to DC. Now it says that E and F are the points on non-parallel sides AD and BC. You can see AD and BC are non-parallel because inko agar main produce karunga, so they will meet at some point, that's why they are non-parallel. So, इन दोनों नॉन पैरेलल साइड्स पे क्या है, ई और एफ नाम के दो पॉइंट्स मार्क्ड हैं। कैसे? एडी पर है ई पॉइंट और बीसी पर है एफ पॉइंट। ओके, बिकॉज इट सेज ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स एडी एंड बीसी रिस्पेक्टिवली। सो रिस्पेक्टिवली मींस कि जिस सीक्वेंस में ई और एफ लिखा है उसी सीक्वेंस में उन लाइन के नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे ई के लिए ई पहले लिखा है और एडी पहले लिखा है, तो हम बिल्कुल ई पर, सॉरी एडी पर ई पॉइंट को मार्क करेंगे और सिमिलरली बीसी पर एफ पॉइंट को मार्क करेंगे एंड वी विल जॉइन देम एंड दिस ई एफ इज गिवन पैरेलल टू ए बी। ओके, दिस ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, इट्स वेरी क्लियरली गिवन। नाउ सो लेट अस राइट द गिवन कंडीशंस। क्या गिवन है हमें? दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ओके, वेयर ए बी इज पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ओके, दिस इज गिवन, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। फर्दर ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, दिस इज ऑल्सो गिवन दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। एंड एनीथिंग एल्स गिवन? नो, नथिंग। इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। अब देखिए, अगर मुझे टू प्रूफ लिखना है, टू प्रूफ, तो क्या प्रूफ करना है मुझे? अल्टीमेटली हमें प्रूफ करना है दैट ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। ओके, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी, यह चीज हमें प्रूव करनी है। नाउ जस्ट ऑब्जर्व द डायग्राम, देर इज अ ट्रेपेजियम और उस ट्रेपेजियम में एक साइड दी है, एक लाइन दी है जो कि इस ए बी के पैरेलल है। सो लेट अस राइट द प्रूफ, लेट अस ट्राई टू स्टार्ट द प्रूफ। इन दिस प्रूफ आई कैन सी कि मुझे सबसे पहली कंडीशन दी है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। तो इन दोनों कंडीशंस को मिला के क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए बी इज पैरेलल टू ई एफ इज पैरेलल टू डी सी? बिकॉज अगर ए बी और डी सी पैरेलल है, ए बी और ई एफ पैरेलल है, तो डेफिनेटली ई एफ और सी डी भी पैरेलल होंगे ही होंगे। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज द कंडीशन दैट आई कैन राइट। नाउ I need to prove that AE upon ED is equals to this BF upon FC.
So ultimately, if you see, I need to prove that these two sides and these two sides are in same ratio or are in proportion, okay, are proportional. What you can see, this is AD is a side, iske do parts hain, AE aur ED. So AE upon ED kya hua, is part ka, is line segment ka do parts, okay, unka ratio, AE upon ED represents the ratio. Similarly, यहाँ पे BF upon FC क्या हुआ? Again the ratio. तो ultimately हम ये देखते हैं कि मुझे दोनों sides को proportional proof करना है. Now, अगर proportional proof करना है, तो definitely यहाँ पर हमें कैसे ना कैसे basic proportionality theorem को apply करना होगा. Okay, try to understand this. हमें कैसे भी करके basic proportionality theorem को apply करना होगा. अब कैसे apply करें? क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहां पर ट्रायंगल गिवन ही नहीं है, यहां पर तो सिर्फ एक ट्रेपेजियम गिवन है. तो फिर क्या करें? तब फिर हमें ट्रायंगल खुद बनाना पड़ेगा. ओके, यू नीड टू ऑब्जर्व दिस फिगर और आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह से एक ट्रायंगल इसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ओके, लेट अस सी दिस, लेट मी राइट दैट. ओके, आई विल कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल. So construction, in the construction I will try to construct a triangle. How will I construct a triangle? इस figure में मैं एक triangle को कैसे बनाऊं? इस figure में मैं सिर्फ इतना सा करूंगा कि C और A point को join कर दूंगा, such that this AC line intersects this EF at some point, let us say G. Okay? In the construction, what I am going to do is join AC such that it intersects EF at G. AC को इस तरह से join कीजिए कि EF को वह line इस G point पे intersect करे. तो अब मैं देख सकता हूं, जैसे ही मैंने ये G पॉइंट मार्क करा, मुझे दो ट्रायंगल्स दिखने लगे. कौन से दो ट्रायंगल्स? अगर आप ध्यान से देखेंगे, यू विल फाइंड दैट ए डी सी इज अ ट्रायंगल, ए डी सी. सिमिलरली ए बी सी इज आल्सो अ ट्रायंगल. सो यू कैन सी देयर आर टू ट्रायंगल्स, ए डी सी एंड ए बी सी. सो डेफिनेटली अब अगर मुझे दो ट्रायंगल्स मिल गए हैं, तो आई कैन अप्लाई द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. बिकॉज जहां पर भी प्रोपोर्शनल की बात होगी, वहां पे आपको बीपीटी अप्लाई करना है या फिर कॉनवर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करना है. अब डेफिनेटली मुझे यहां पर रेशियो ही इक्वल प्रूफ करना है, तो यहां पर कॉनवर्स बीपीटी लगेगा कि बीपीटी लगेगा? ऑब्वियसली बीपीटी लगेगा. कॉनवर्स बीपीटी कब लगता है? जब मुझे दो साइड्स को पैरेलल प्रूफ करना होता है. लेकिन यहां पे पैरेलल गिवन है और प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है. सो we will consider triangle ABC first. हम सबसे पहले ABC triangle को consider करते हैं. In this ABC triangle, what you can see is, since EF is parallel to AB, ठीक है, EF क्या है? AB के parallel है. और G point कहाँ पर है? G point lies on EF. So can I say that GF is also parallel to AB? Okay? What I mean to say is, EF is parallel to AB, but G point lies on EF. G point कहीं और lie नहीं कर रहा, G point EF line पे ही lie कर रहा है. So अगर EF पूरा AB के parallel है, तो GF तो AB के parallel होगा ही. So but G point lies on EF. It implies that GF is parallel to AB. मैं ऐसा लिख सकता हूं, GF is parallel to AB. Okay? Now, अगर GF और AB parallel है, can you see the triangle ABC? यहां पर GF is parallel to AB है, तो definitely मैं क्या कह सकता हूं? This GF is a line which is parallel to AB and it is intersecting the two lines. AC and BC at two distinct points. Okay, let me repeat it again. मैं कहना चाहता हूं कि GF is a line
GF एक वह लाइन है जो कि AB के पैरेलल है और इस ट्रायंगल में इन दोनों साइड्स को दो अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है, दो अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है. सो आई कैन क्लियरली राइट दैट AG अपॉन GC इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अगेन यू नीड टू राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट. ओके, AG अपॉन GC इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC. दिस इज बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. AG अपॉन GC इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में. ओके, नाउ कंसीडर द सेकंड ट्रायंगल. कंसीडर ट्रायंगल दैट इज ADC. इन ट्रायंगल ADC यू कैन सी अगेन G पॉइंट तो EF पे ही लाई कर रहा है. तो अगर GF AB के पैरेलल है, EF इज ऑल्सो पैरेलल टू DC. EF लाइन DC के पैरेलल है और G पॉइंट लाई कर रहा है EF पे, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि EG इज ऑल्सो पैरेलल टू DC? ओके, व्हाट आई मीन टू से, EF इज पैरेलल टू DC. G पॉइंट lies on EF. So I can say this implies that EG is also parallel to DC. This EG is parallel to DC. I can imply this. Okay. Now, if EG is parallel to DC, what I can see in triangle ADC, in this triangle ADC, EG एक वह लाइन है जो कि DC के पैरेलल है और ADC ट्रायंगल में वह दो साइड्स को दो अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है. ओके, सो आई कैन से फ्रॉम दिस कंडीशन, दिस कंडीशन इंप्लाइज दैट AG अपॉन GC इज इक्वल्स टू AE अपॉन ED. ओके, सेकेंड ट्राइंगल में हमें ये कंडीशन मिलेगी. सो आई विल से, एंड अगेन दिस इज बाय बीपीटी, दिस इज बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस कंडीशन, AG अपॉन GC इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC. दिस कंडीशन AG अपॉन GC इज इक्वल्स टू AE अपॉन ED. सो इफ आई मार्क दिस एज फर्स्ट इक्वेशन एंड इफ आई मार्क दिस एज सेकेंड इक्वेशन, सो वॉट आई कैन राइट इज फ्रॉम 1 and 2, from equation 1 and 2 I can imply that AE upon ED is equals to BF upon FC, and this is the condition that we need to prove. Okay, so this is hence proved. Now try to understand the approach of the question, why I have done this construction. It's because mujhe yahan par ratio ko prove karna hai. रेशियो प्रूफ करना है तो बीपीटी लगाना है. बीपीटी लगाने के लिए ट्रायंगल चाहिए. ट्रायंगल नहीं है तो हमने ट्रायंगल बना दिया. ओके, और बना के इस तरह से सॉल्व कर लिया. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई विल मार्क इट अ स्टार. यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस तरह के और भी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं. इसे नोट कर लीजिए, फिर कंटिन्यू करेंगे. ओके, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू एसी एंड डीएफ इज पैरेलल टू एई. प्रूव दैट बीएफ अपॉन एफई इज इक्वल्स टू ईसी अपॉन, सॉरी बीई अपॉन ईसी. ओके, सो व्हाट यू कैन सी, देयर इज अ ट्राइंगल एबीसी इन द गिवन फिगर एंड इन दिस ट्राइंगल डीई इज पैरेलल टू एसी, इट्स गिवन. देन DF is parallel to AE. This is also given, and we need to prove that BF upon FE is equals to BE upon EC. Now, again in this question, हमें एक दो sides को proportional prove करना है. हमें दो ratios को बराबर prove करना है. दो ratios को बराबर prove करना है, मतलब BPT का application है. Okay? So, let us write the given conditions before solving the question. एवरी टाइम अगर आप गिवन कंडीशंस लिखते हैं, टू प्रूव लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं,
तो इस पैटर्न में जब आप चलेंगे तो आपको ज्योमेट्री में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके, बिकॉज ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट एनालिसिस। आप जितने अच्छे से गिवन कंडीशंस को एनालाइज कर सकते हैं उतने अच्छे से आप ज्योमेट्री को सीख सकते हैं। सो आई विल ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी, this is a triangle ABC and in this triangle DE is parallel to AC. So I will draw DE. DE is like this. This is D and this is E. DE is parallel to AC. Okay, then let us join AE. This is AE. Okay. And another line DF is parallel to AE. Okay, DF एक line है जो कि AE के parallel है. So I will draw it like this. This is point F. Okay. So let us write the given conditions. What is given? It is given that triangle ABC. ABC is a triangle. ये चीज given है और this DE is parallel to AC, एक ये गिवन है और DF is parallel to AE, यह चीज भी हमें गिवन है. ओके, एंड वॉट वी नीड टू प्रूव, सो लेट अस राइट टू प्रूव. टू प्रूव आई नीड टू प्रूव दैट BF अपॉन FE is equals to BE upon EC. Okay, BF upon FE is equals to BE upon EC. This is what we need to prove. Now again you can see जो हमें prove करना है वह proportional है, वहां पे दो ratios बराबर है तो BPT तो apply करना ही है. So let us start solving. Let us write the proof. Now, how will you start the proof? हम सबसे पहले given conditions को analyze करेंगे और उसके basis पे जो conclusions आते हैं सबसे पहले उन्हें लिखेंगे. अब देखते हैं सबसे पहला given condition क्या है कि DE और AC parallel है. तो एक triangle है ABC और DE एक यह line है जो कि AC के parallel है. तो अगर आप बड़े ध्यान से सिर्फ triangle ABC को observe करें, this is triangle ABC और this is DE. Okay, मैंने अभी DF को नहीं बनाया, मैंने सिर्फ DE को बनाया. इस तरह से ये ट्राइंगल दिख रहा है. अगर हम बाकी दोनों लाइंस AE और DF को भूल जाएं तो सिर्फ इतना ट्राइंगल दिखाई देगा. क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन दिस ट्राइंगल DE एक वह लाइन है जो कि AC के पैरेलल है. तो डेफिनेटली DE अगर इन दोनों साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो यहां पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगती है. तो हम कहेंगे दैट इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC एंड दिस इंप्लाइज दैट व्हाट डज दिस इंप्लाई BD upon DA is equals to BE upon EC. Okay, BD upon DA is equals to BE upon EC. How मैंने ये कैसे लिखा? How I have written this? By basic proportionality theorem. Okay, it's very simple. आप triangle observe कर सकते हैं और basic proportionality theorem आपको दिख रही है यहां पर अप्लाई होते हुए. हम कहेंगे दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ लेट अस एनालाइज द सेकंड गिवन कंडीशन. सेकंड कंडीशन में हमें गिवन है कि दिस DF इज पैरेलल टू AE. तो DF को बनाते हैं सबसे पहले एक ट्राइंगल ABC में, कुछ इस तरह से ABC एक ट्राइंगल है और एक लाइन है AE. दिस इज E. ओके, एंड this is DF.
सो मैंने क्या करा, मैंने DE लाइन को हटा दिया। अगर मैं DE लाइन को नहीं बनाता तो इस तरह से ट्राइंगल दिखता है, ABC ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल में DF इज पैरेलल टू AE गिवन है। नाउ अब अगर मैं ABC ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो ABC ट्राइंगल में मुझे ये दो लाइंस दिख रही हैं, क्या इन दोनों में से कोई भी लाइन इस ABC ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल है? ओके, लेट मी रिपीट, क्या कहा मैंने, क्या आपको DF या AE में से कोई भी लाइन ABC ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल दिखाई देती है? क्या DF और AE कोई भी AB के पैरेलल है? नहीं। BC के पैरेलल है? नहीं। AC के पैरेलल है? नहीं। तो डेफिनेटली मुझे ट्राइंगल ABC को कंसिडर नहीं करना, मुझे ABC को कंसिडर नहीं करना, उसकी जगह पे मुझे कंसिडर करना है इस ट्राइंगल को। ओके, ट्राई टू ऑब्जर्व, मुझे कंसिडर इस ट्राइंगल को करना है। क्यों? इट्स बिकॉज DF और AE पैरेलल हमें गिवन है। ओके, इट इज गिवन, सो कंसिडर ट्राइंगल ABE। ABE ट्राइंगल में यू विल फाइंड दैट DF पैरेलल टू AE, यह चीज हमें गिवन है। और अगर DF AE के पैरेलल है तो क्या यहां पर मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकता हूं? क्या मैं देख सकता हूं कि DF एक वह लाइन है जो कि AE मतलब इस ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है और बाकी की दो साइड्स को दैट इज AB और BE को दो अलग पॉइंट्स पे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सो इफ DF इज पैरेलल टू AE, आई कैन राइट BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE। ओके, हाउ? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंड वी कॉल दिस एज इक्वेशन 2। नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव, BF अपॉन FE और BE अपॉन EC बराबर है। यहां पर दिख रहा है कि BD अपॉन DA BE अपॉन EC के बराबर है, और यहां पर दिख रहा है कि BD अपॉन DA BF अपॉन FE के बराबर है। सो इट्स वेरी सिंपल, मैं इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू विल गेट BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू, दिस इज व्हाट, BE अपॉन EC, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। ओके, क्या करा हमने, सिर्फ गिवन कंडीशन को एनालाइज करके ये चीज लिख दी, ये दोनों इक्वेशंस लिख दी, और बस जैसे ही आप ये इक्वेशन लिखेंगे आपको ऑटोमेटिक सॉल्यूशन दिखाई देने लगेगा। ओके, सो दिस इज द प्रूफ फॉर क्वेश्चन नंबर, इट इज 6th one। ओके, सो हेंस प्रूफ्ड। ओके, डायग्राम देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन अगर आप कॉपी में सेपरेट डायग्राम्स बनाएं, ओके, आपकी नोटबुक में इस तरह से और इस तरह से सेपरेट डायग्राम्स जब बनाएंगे तो ये क्वेश्चन काफी इजी लगने लगेगा। ओके, सो यहां पर हमने क्वेश्चन 6 को सॉल्व कर लिया है, इसे नोट कर लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। हम 7th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इट सेज इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF इज पैरेलल टू OR, शो दैट EF इज पैरेलल टू QR। ओके, सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 7। द गिवन फिगर इज सच दैट देर इज अ ट्राइंगल इन दिस फिगर, द ट्राइंगल इज PQR। PQR एक ट्राइंगल है इस फिगर में, ओके, एंड EF इस तरह से एक लाइन है, EF एक लाइन है जो कि QR के पैरेलल है। ओके, दिस EF इज पैरेलल टू QR, देन इट सेज दैट DF, नाउ DF आप देख सकते हैं D पॉइंट समवेयर, कहीं एक पॉइंट है O और QO जॉइंट है, दिस इज पॉइंट O और OR भी जॉइंट है, एंड OP को भी हमने जॉइन कर रखा है, और एक लाइन है DE जो कि OQ के पैरेलल है। तो DE हमने बनाया OQ के पैरेलल, ये है OQ, दिस इज लाइक DE, ओके, दिस इज D पॉइंट, एंड सिमिलरली DF जो लाइन है वह
ओ आर के पैरेलल है. ओके ओके सॉरी ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, वी नीड टू प्रूव दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर. ओके हमें जो गिवन है कि डी ई और डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर एंड वी नीड टू प्रूव दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर. ई एफ और क्यू आर पैरेलल है, ये चीज हमें प्रूव करनी है. सो लेट अस राइट द गिवन कंडीशंस. गिवन क्या गिवन है सबसे पहले उसे देखते हैं. हमें गिवन है कि डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू. सेकेंड हमें गिवन है दैट डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर. यह चीज हमें गिवन है. देन टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर. ओके ई एफ क्या है, ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, यह चीज हमें प्रूफ करनी है. नाउ ऑब्जर्व दिस कंडीशन. जो प्रूफ करना है कि ई एफ और क्यू आर पैरेलल है, तो दो साइड्स को एक ट्राइंगल में दो साइड्स को पैरेलल प्रूफ करने का क्या तरीका होता है. एक ट्राइंगल में दो साइड्स को पैरेलल प्रूफ करने के लिए ऑब्वियसली मुझे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करना है. ओके कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होगा. अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होने के लिए ई एफ और क्यू आर पैरेलल करने के लिए, इन दोनों को पैरेलल बताने के लिए क्या कंडीशन की रिक्वायरमेंट है. ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू एनालाइज कि अगर ई एफ और क्यू आर को पैरेलल करना है तो मैं क्या कंडीशन के लिए सोचूं, क्या कंडीशन ऑब्टेन कर लूं सच दैट मैं ये प्रूफ कर सकता हूं. कॉन्वर्स बीपीटी कहता है कि अगर आप किसी तरह से भी साइड्स को प्रोपोर्शनल कर दें तो कॉन्वर्स बीपीटी की मदद से मैं इन दोनों को पैरेलल कह सकता हूं. ओके इट मींस अल्टीमेट गोल क्या है मेरा, अल्टीमेटली मेरा गोल यह है कि मैं किसी भी तरह से पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर प्रूफ कर दूं. ओके अल्टीमेटली अगर मैं पीई अपॉन ई क्यू, ओके पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर प्रूफ कर दूं, तो मैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी से कह सकता हूं कि ई एफ और क्यू आर पैरेलल हो जाएंगे. तो हमारा प्रूफ करने का अप्रोच भी कुछ इसी तरह से होना चाहिए. ओके सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ फॉर दिस क्वेश्चन. प्रूफ में जैसा कि मैंने कहा था, सबसे पहले गिवन कंडीशन को एनालाइज कीजिए और उसके बेसिस पे जो भी रिजल्ट बनता है उसे लिख दीजिए. जैसे कि हमें गिवन है कि DE और OQ पैरेलल है. यह है DE, यह है OQ. क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि DE कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहा है. इफ यू कैन ऑब्जर्व वी विल कंसिडर ट्राइंगल पी ओ क्यू. वी विल कंसिडर द ट्राइंगल पी ओ क्यू. इन द ट्राइंगल पी ओ क्यू, ओके यू कैन सी डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू. तो डी ई एक वह साइड है जो कि ओ क्यू के पैरेलल है और बाकी की दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है. तो मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की मदद से कुछ रिजल्ट ऑब्टेन कर सकता हूं. ओके सो अगर मैं इस ट्राइंगल को सेपरेटली ड्रॉ करना चाहूं, तो दिस इज पी, दिस इज ओ, सॉरी क्यू एंड दिस इज ओ. सो इन दिस ट्राइंगल यू हैव दिस एस ई डी और डी ई. ओके दिस इज पैरेलल टू दिस. ओके द गिवन कंडीशन इज दैट डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू. सो इफ डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, इट इंप्लाइज दैट पी ई अपॉन ई क्यू किसके बराबर है, पी डी अपॉन डी ओ बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ओके इट्स वेरी सिंपल, जस्ट कंक्लूजन निकाला है इस ट्राइंगल को यूज करके. ओके पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ एंड आई विल कॉल दिस एज फर्स्ट इक्वेशन. नाउ फिर सेकेंड गिवन कंडीशन को एनालाइज करते हैं. इट सेज दैट डी एफ एंड ओ आर आर पैरेलल. डी एफ इज दिस साइड एंड ओ आर इज दिस वन. नाउ डी एफ और ओ आर किस ट्राइंगल में लाई कर रहे हैं. अगर आप ध्यान से देखेंगे यू विल फाइंड ट्राइंगल पी आर ओ. ओके ट्राइंगल पी आर ओ, दिस इज पी आर ओ. इस ट्राइंगल में डी एफ और ओ आर लाई कर रहे हैं.
तो हम इस ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, दिस इज पी, दिस इज आर एंड दिस इज ओ, और इस ट्रायंगल में हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दिस लाइन, दिस इज डी एंड दिस इज एफ। नाउ डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, सो दिस इंप्लाइज दैट पी एफ अपॉन एफ आर, और दिस इंप्लाइज दैट पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। मुझे नहीं लगता कि इस टर्म को समझाने की जरूरत है, बिकॉज इसे हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो ये कंडीशन हम लिख सकते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, एंड आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर टू। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ एंड पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। सो आई कैन राइट, आई कैन इक्वेट द टू कंडीशंस फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आई कैन राइट दैट पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, एंड यू कैन सी पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, हमने प्रूफ कर लिया। अब देखिए यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, हमने कहा था कि अगर मुझे दोनों साइड्स को पैरेलल प्रूफ करना है, दोनों लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है, तो ये कंडीशन आनी चाहिए। अब क्योंकि ये कंडीशन ऑब्टेन हो चुकी है, तो अब आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए ट्रायंगल पी क्यू आर को। ओके, आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर थ्री। सो कंसिडर ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर यू कैन सी आई हैव द कंडीशन दैट पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये कंडीशन मेरे पास है, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। सो फ्रॉम दिस कंडीशन आई विल इंप्लाई दैट ई क्यू इज पैरेलल टू, सॉरी ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कैसे हुआ, सिर्फ इस ट्राइंगल में हम देखते हैं कि पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर है, तो डेफिनेटली ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर हम देखते हैं तो ई एफ और क्यू आर पैरेलल हो जाएंगे बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बिकॉज कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है दैट इफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल देन दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ओके, सो दिस इज द प्रूफ फॉर क्वेश्चन नंबर सेवन। हमने सेवेंथ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, इसे नोट कर लीजिए, फिर एट करते हैं।